तो अभी हम लोग चलते चलते काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और जिस जगह पे हम लोग आए हैं यहाँ का नाम है दीव देखणी, और यहाँ से ठीक ऊपर दिखता है भगवान तुंगनाथ का मंदिर। तो क्योंकि यहाँ से मंदिर के दर्शन हल्के हल्के होते हैं, तो इसीलिए यहाँ का नाम है दीव देखणी। गढ़वाली में इस जगह का नाम रखा गया है दीव देखणी, यानी कि देवता के दर्शन होना, यानी कि यहाँ से देवता जी का जो मंदिर है तुंगनाथ भगवान जी का, तो वो यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई देता है। और यहाँ से आप लोग सामने के नज़ारे देखिए, दूर दूर की जो पहाड़ियाँ हैं, जो गांव हैं, यहाँ से नज़र आ रही हैं। अभी क्योंकि मौसम थोड़ा पैक हो गया है तो उस तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा है, बाकी इस साइड क्योंकि बर्फ़ पड़ी हुई है तो काफ़ी चमक रही है बर्फ़, क्योंकि हल्की सी धूप लगी हुई है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की चोपता घाटी से। अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और आज हम आप लोगों को फिर से विजिट कराने वाले हैं तुंगनाथ और चंदूसला ट्रैक। तो पहले आप लोग मौसम देख सकते हैं, हल्की सी धूप लगी हुई है और आसमान में आप लोग देख सकते हैं हल्के बादल लगे हुए हैं, क्योंकि सुबह हल्की सी बारिश भी हुई। और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं पूरी चोपता वैली में जो है लाइट पिंक कलर के बुरांस आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, जो कि आजकल थोड़ा कम हो गए हैं क्योंकि बारिश लगातार हो ही रही है। तो वैसे तो पिछले साल तक जो है इस टाइम तक भी यहाँ पे प्रॉपर बर्फ़ रहती थी, लेकिन इस बार इतनी बर्फ़ नहीं है। तो खैर जो भी है, आगे आगे देखते हैं कि बर्फ़ कितनी होती है या कितनी पड़ी हुई है बर्फ़। तो आप लोग प्लीज़ व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को जो आज का मेरा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है वो काफ़ी पसंद आएगा। चोपता वैली में आप लोगों को आजकल इस तरह से लाइट पिंक कलर के ब्रांच खिले हुए दिखाई देंगे, जो कि चोपता की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। और शुरू में ही ट्रैक शुरू करने से पहले शुरुआत में ही आप लोगों को ऐसे बोर्ड दिखाई देंगे, तो यहाँ पे लिखा है शॉर्टकट लेकर बुग्यालों में प्रवेश करना दंडनीय अपराध है, और कुछ इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं शुरुआत में। अभी हम रोड से केवल 200 मीटर ही ऊपर आए हैं और हम लोगों का ट्रैक जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ से तुंगनाथ की चोटी जो है उसकी दूरी 3.5 किलोमीटर है, यानी कि 3.5 किलोमीटर की ट्रैक हम लोगों को करना है, और वहाँ से देखते हैं कि चंद्रशिला जा पाते हैं हम लोग या नहीं। तो बाकी हमें यहाँ पर शुरुआत में ही बर्फ़ देखने को मिल गई है, हल्की सी बर्फ़ गिरी हुई है और खूबसूरत से बुरांस के पेड़ जिन पे पिंक कलर के बुरांस लगे हुए हैं, और इन खूबसूरत सी वादियों का जायजा लेते हुए हम लोग अपना ट्रैक यहां से शुरू करते हैं। अभी थोड़ा सा ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुग्याल एरिया शुरू हो चुका है, और पूरे बुग्याल में जो है सफ़ेद बर्फ़ की चादर पड़ी हुई है। और बरसात के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में कि ये जो बुग्याल वाला एरिया है पूरा हरा भरा रहता है, और ठीक नीचे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी छावनी, जिनको हमारे यहाँ पर मरड़ा बोलते हैं। तो बरसात के टाइम पर यहाँ पर लोग अपने गाय भैंसों के साथ हो गया और भेड़ बकरियों के साथ 6 महीने यहाँ पर रहते हैं। अभी जिस जगह तक हम लोग पहुँचे हैं यहाँ का नाम भुजगली है, और यहाँ से आप लोग सामने के नज़ारे देख सकते हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और दूर दूर की जो बर्फ़ की ढकी हुई जो पहाड़ियाँ हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो भी यहाँ से नज़र आ रही हैं। और हमारा गांव देखिए कितना नीचे यहाँ से रह गया है, और बाकी आप लोग इस खूबसूरत सी बर्फ़ से ढकी हुई वादी का आनंद ले सकते हैं।
जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो उसी हिसाब से ठंड भी बढ़ती जा रही है, जबकि धूप भी लगी हुई है। और नीचे के साइड जो है काफ़ी लंबे लंबे और बड़े बड़े पेड़ हैं, जबकि ऊपर की साइड जो है पेड़ों का जो घनत्व है और जो ऊंचाई है वो बिल्कुल कम हो रही है। सामने जो पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये बुरांश के पेड़ हैं, जो झाड़ी नुमा यहाँ पे होते हैं। नीचे घाटी में आप लोगों ने बुरांश के जो पेड़ हैं वो काफ़ी बड़े बड़े देखे होंगे, जबकि यहाँ पे काफ़ी छोटे बुरांश के पेड़ हैं जिन पे कि लाइट पिंक कलर के बुरांश खिलते हैं। और साथ में काफ़ी सारे लोग हैं जो तुंगनाथ चंद्रशिला का ट्रैक कर रहे हैं हम लोगों के साथ, और साथ में इन खूबसूरत सी वादियों का आनंद ले रहे हैं। और बर्फ़ की तो बात ही अलग है, काफ़ी सारी बर्फ़ देखने को मिल रही है। और जो और लोग हैं जो मेरे ख्याल से अदर स्टेट के हैं या अदर स्टेट के और अदर कंट्री के भी हो सकते हैं, तो वो लोग भी बर्फ़ का जायज़ा ले रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते चलते काफ़ी ऊपर आ गए हैं, और जिस जगह पे हम लोग आए हैं यहाँ का नाम है दीव देखणी, और यहाँ से ठीक ऊपर दिखता है भगवान तुंगनाथ का मंदिर। तो क्योंकि यहाँ से मंदिर के दर्शन हल्के हल्के होते हैं तो इसीलिए यहाँ का नाम है दीव देखणी। गढ़वाली में इस जगह का नाम रखा गया है दीव देखणी, यानी कि देवता के दर्शन होना, यानी कि यहाँ से देवता जी का जो मंदिर है तुंगनाथ भगवान जी का, तो वो यहाँ से थोड़ा बहुत दिखाई देता है। अभी हम लोग मंदिर के काफ़ी करीब आ गए हैं, और चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। और इस साइड एक बिल्डिंग आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये जड़ी बूटी शोध संस्थान है। यहाँ पे लोकल में जितनी भी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं इसका शोध किया जाता है। अभी हम लोग मंदिर के काफ़ी करीब आ गए हैं, सामने आप लोगों को तुंगनाथ महादेव का मंदिर नज़र आ रहा है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना हुआ शिवालय यह है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3,680 मीटर और 12,073 फीट। तुंगनाथ महादेव के इस मंदिर में भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है, और पंच केदारों में इस मंदिर को तृतीय स्थान मिला है, तो इसे तृतीय केदार के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी हम लोग मंदिर के काफ़ी करीब आ गए हैं, और यहाँ आके पता चला कि क्योंकि आजकल कपाट बंद हो रखे हैं तो जो मंदिर का मेन गेट है उसे भी बंद किया गया है, और यहाँ पे प्रवेश वर्जित किया गया है। तो चलिए हम लोग सीधे यहाँ से चंद्रशिला ट्रैक शुरू करते हैं, और ये वाला रास्ता मंदिर के लिए जाता है और ठीक सामने चंद्रशिला रूट जाता है। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है चंद्रशिला 1.1 की, मतलब 1 किलोमीटर का ट्रैक हम लोगों का यहाँ से अब शुरू होता है चंद्रशिला का।